हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कल्याणी। तो यार, बहुत दिनों से मेरा मन था कुछ समर के लिए शेयर करूँ, जैसे कि समर स्किन केयर, समर बॉडी केयर। लेकिन क्या हुआ कि कभी फेस के लिए, कभी हेयर के लिए शेयर करते करते मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल ही गया था कि कुछ समर के लिए भी शेयर करना है। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फुल बॉडी स्किन केयर रूटीन फॉर समर। मतलब अगर आप अपने बॉडी के स्किन केयर से सेटिस्फाई नहीं हो, मतलब आप चाहते हो कि आपकी भी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखे, उसमें थोड़ी सी ग्लो हो, टैनिंग की प्रॉब्लम ना हो, अगर आपके बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा डेड स्किन सेल्स रहते हैं, आपके बॉडी में ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो इन सारी समस्याओं से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आप अपने बॉडी का केयर कर सको, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान से नेचुरल होम इंग्रेडिएंट शेयर करूंगी जिसमें कि आपको बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस स्किन केयर रूटीन को 1 से 2 वीक फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा विजुअल चेंजेस देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कर सको और आप अपनी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ले सको। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे जो रेड बटन है उसे प्रेस करके, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि देखो मैं कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए चुन चुन के वीडियो लाती हूँ। तो आप इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो विदाउट एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लीजिएगा, मैं आपको पक्का से रिप्लाई दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जिस तरीके से आप अपने फेस की केयर करते हो और उसमें सबसे पहला स्टेप अपने बॉडी को क्लीन करते हो, चाहे वो फेस वॉश हो या फिर सॉप हो, उसी तरीके से आपको डेली बाथ लेना है। मतलब कि अगर आप अपने बॉडी में लाख DIY कर लो, लाख क्रीम लगा लो, लोशन लगा लो, लेकिन अगर आप रोज़ बाथ नहीं लेते हो तो आपकी जो बॉडी का ग्लो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा और जो नेचुरल ऑयल है ना वो आपकी बॉडी रिड्यूस करना बंद कर देगी, जिसकी वजह से आप कितना भी कुछ कर लो आपकी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं मिलने वाला है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ करो या ना करो, कोई भी बॉडी से रिलेटेड एक्ट दिया हुआ है, लोशन अप्लाई करो या ना करो, आपको रोज़ नहाना है। रोज़ नहाने की आदत बहुत अच्छी भी होती है और आपके बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इससे आपकी जो बॉडी है वो क्लीन रहती है और जो छोटे मोटे, मतलब जो कम डेड सेल्स होते हैं ना, वो नहाने से आपकी बॉडी से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी 1 से 2 शेड लाइट भी होती है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि नहाना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपने तो अपनी बॉडी को क्लीन कर लिया है, लेकिन क्या आपकी बॉडी अंदर से क्लीन है, इस बात की गारंटी आपके पास बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको रोज़ कम से कम 3 लीटर पानी पीना होगा। उससे आपकी फेस, बॉडी, हेयर, अंदर की जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होती है सारे अच्छे रहते हैं। तो आप इस टिप्स को हमेशा माइंड में ध्यान रखें। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई है जो कि आपको करना ही करना, मतलब रोज़ करना ही है सारी चीज़ें। अब बात करते हैं आपकी बॉडी की आउटर लेयर प्रॉब्लम्स की। तो सबसे कॉमन समर प्रॉब्लम की बात करें तो वो है स्मेली अंडरआर्म्स। तो गाइज, इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही आसान सा नेचुरल इंग्रेडिएंट है, मतलब नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ DIY है। तो गाइज, ये जो मैं आपको DIY बताऊंगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके स्मेली अंडरआर्म्स को हटाने के लिए। और इसकी एक खासियत बताती हूँ मैं आपको कि आपको जब भी ऐसा फील हो कि आपके अंडरआर्म से स्मेल आ रहे हैं तो आप इसे जस्ट थोड़ा सा अप्लाई कर लो और 1-2 सेकंड में ही आप देखोगे कि आपके जो अंडरआर्म्स की स्मेल है वो बिल्कुल छूमंतर हो गई है। तो आप जानना चाहोगे कि ये DIY क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि लगभग 100 ml पानी में आपको आधा नींबू निचोड़ना होगा और उसके बाद इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और एक स्प्रे बॉटल में इसे फिल कर लीजिए। अगर इस DIY को आप अप्लाई करते हो तो आपको कभी भी मतलब स्मेल की प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसे अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो तो आप देखोगे कि आपके जो अंडरआर्म्स की डार्कनेस है वो धीरे धीरे कम हो गई है, क्योंकि हमने इसमें लेमन का यूज किया है और लेमन में होता है ब्लीचिंग एजेंट जो कि आपकी बॉडी की डार्कनेस को रिड्यूस करने के लिए
बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हो कि आपके जो बॉडी है उसका कलर दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा डार्क होते जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो हमारी बॉडी है वो ऐसे कैसे डार्क होते जा रही है, पहले तो लाइट थी लेकिन अब क्यों डार्क हो रही है, तो फ्रेंड्स इसके पीछे मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ, और वो रीज़न है आपकी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा डेड स्किन सेल्स जमा हो गई है। जैसे कि आपने एक बात गौर किया होगा कि जब भी आप अपने एल्बोज को टच करते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रफ फील होता होगा, वो क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसमें डेड स्किन सेल्स बनते रहती है, डेड स्किन सेल्स निकलते रहती है, उसकी वजह से आपके बॉडी पर ऊपरी लेयर में डेड स्किन सेल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, और वो अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो आपकी बॉडी में डार्कनेस हो जाती है। पहला रीज़न तो ये हुआ। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सा DIY बताती हूँ, अगर आप इसे रेगुलर एक वीक तक अप्लाई करते हो तो इससे आपकी जो डेड स्किन सेल्स की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और अगर आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत डेड स्किन सेल्स रह जाती है तो आप इसे कंटिन्यू कर लेना। एक महीने के अंदर आपकी बॉडी एकदम सॉफ्ट, स्मूथ, सप्पल, मतलब बहुत ही अच्छे दिखने लगेगी। बहुत ही अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट है। मैं इस DIY को बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ और रिजल्ट की तो पूछो ही मत, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो इसके लिए एक बाउल में ले लीजिए चावल का आटा। तो मैंने यहाँ पर अपने बॉडी के हिसाब से चावल का आटा निकाल लिया है। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, और वो है ये हनी, यानी कि शहद। फ्रेंड्स, शहद को जितनी क्वांटिटी में आपने चावल लिया था उतनी ही क्वांटिटी में आपको इसमें ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए, और फिर इस पेस्ट को आप अपने पूरे बॉडी पर अप्लाई करके 2 से 3 मिनट के लिए इसे स्क्रब कर लीजिए। इससे आपकी बॉडी के जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और 2 से 3 मिनट स्क्रब करने के बाद अपने बॉडी को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए या फिर आप बाथ ले लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा रीज़न जिससे कि आपकी बॉडी डार्क दिखती है, और वो है टैनिंग की प्रॉब्लम। और अगर समर की बात करें तो टैनिंग तो बिल्कुल आम सी लगती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है और हमारी जो स्किन है वो भी डार्क हो जाती है, और फिर हम सोचते रहते हैं कि हमारी स्किन डार्क कैसे हो गई है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सा बॉडी पैक बताती हूँ, आप इसे फेस पर भी यूज कर सकते हो। अगर आप इसे पूरे फेस पर, बॉडी पर अप्लाई करते हो रेगुलरली तो आपको टैनिंग की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, और अगर आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा टैनिंग है तो आपको इस पैक को तो और भी अच्छे से अप्लाई करना, मतलब दिन में अगर आप 2 बार अप्लाई करते हो तो आपकी बहुत गहरी से गहरी टैनिंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बाउल में मसूर दाल पाउडर ले लीजिए, और उसके बाद इसमें 1/2 टमाटर का जूस निचोड़ लीजिए, और इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद इस पेस्ट को आप अपने पूरे बॉडी पर अप्लाई कर लीजिए। 30 मिनट के लिए वेट करिए, और उसके बाद अपने हाथों पैरों को अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। तो फाइनली हमने सब कुछ कर लिया, अपने बॉडी को क्लीन कर लिया, डेड स्किन सेल्स को हटा लिया, टैनिंग को हटा लिया, मतलब हमारी बॉडी, ओवरऑल बॉडी है वो बहुत अच्छी हो गई है। अब लास्ट में हम लोगों की क्या ख्वाहिश होती है कि हमारे बॉडी पर एक प्यारा सा ग्लो रहे, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा पैक बताती हूँ, और अगर आप इस पैक को अच्छे से अपने बॉडी पर अप्लाई करते हो, मतलब रेगुलरली अप्लाई करते हो, तो जो आपकी बॉडी है ना वो काफ़ी ग्लो करने लगेगी। तो इस पैक को बनाने के लिए एक बाउल में ले लीजिए ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, 1 से 2 चुटकी हल्दी डाल लीजिए, और इसे पेस्ट बनाने के लिए थोड़ी सी दही डाल दीजिए, और बस इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके अपने पूरे बॉडी पर अप्लाई कर लीजिए, और 30 सेकंड के लिए वेट करिए, और फिर नॉर्मल वाटर से ही अपने बॉडी को वॉश कर लीजिए। तो आपने देखा, मैंने आपको वो सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन सारी चीज़ें बता दी है जो कि आपको समर में परेशान करती रहती। अगर आप टीनेजर हो, यंगर हो, बड़े हो, छोटे हो, अगर आपकी बॉडी पे टैनिंग है, डेड स्किन सेल्स है, तो आप ये सारी प्रोसेस को अप्लाई करके देखना, आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी। और स्पेशली टीनेजर्स बहुत डरते हैं कुछ भी अप्लाई करने से पहले, तो फ्रेंड्स ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है, नेचुरल इंग्रेडिएंट आपको कभी भी हार्म नहीं पहुंचाती है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और ओवरऑल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है समर्स की, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपकी चाहत है कि आपकी बॉडी अच्छी दिखे, उस पर ग्लो रहे, उस पर डेड स्किन सेल्स ना हो, तो आप इस पूरे वीडियो को फॉलो करिए 1 वीक के लिए,
और उसके बाद आफ्टर बिफोर आप खुद ही देखिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो अब मैं आपको मिलती हूँ एक और नए बेहतरीन एपिसोड में, तब तक खुद से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय।